हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। आज लद्दाख यात्रा का आखिरी दिन है, हमें एंटर होना है यहाँ से कश्मीर। कारगिल आए हुए हमको हो गए 2 दिन और यहाँ हम कारगिल में थोड़ा घूमे, हंदरमान गांव गए, फिर एक अपना आर्मी की काफ़ी हिस्टोरिकल चेक पोस्ट थी वहाँ पे गए। और अभी नाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे। हम यहाँ रुके थे अपना मेरे मित्र अब्बास भाई के यहाँ पे। तो चलने से पहले बाहर बहुत ही कमाल का खूबसूरत नज़ारा है, वो दिखाते हैं आपको, फिर यहाँ से निकलेंगे। ये है रंग्यूल रिजोर्ट। यहाँ पे बड़े खूबसूरत कमरे, कॉटेजेस बनाए हुए हैं अब्बास भाई ने। तो कल शाम को हम यहीं पहुंचे थे, कमरे के बाहर बालकनी में सुबह सुबह के नज़ारे का आनंद लेते हुए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आलसी गुड ब्लॉग मॉर्निंग, में गुड आपका, मॉर्निंग। आलसी ब्लॉग में आपका स्वागत है। वाह वाह वाह, कल हमें पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था, तो ये नज़ारा हम उस टाइम देख नहीं पाए थे। लाइटिंग से अंदाज़ा लग गया था कि कुछ बहुत कमाल की जगह पहुंचे हम। और ये सारी की सारी लाइन में इस तरफ बने हुए कमरे, बीच में हरा भरा बगीचा कह लो, घास कह लो, फूल फाल भी लगे हैं काफ़ी सारे, इस तरफ भी हैं। सामने पूरी पहाड़ियों का नज़ारा दिखता है सुबह उठते ही, शाम को अंधेरा होने से पहले भी। लद्दाख के सूखे पहाड़ों के बीच इतनी प्यारी हरी भरी लोकेशन मिल जाए तो क्या ही कहने। बीच बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, आई लव कारगिल रंग्यूल के साथ साथ जो जई और भी तरीके के यहाँ पे फूलों के पौधे हैं काफ़ी सारे। और इस तरफ शाम के वक्त जब धूप नहीं होती तो खुले में बैठने का स्पेस है। ये 3 इडियट वाला स्कूटर, ये भी एक फ्रेम बनाया गया है पूरा लकड़ी से, इसके बीच में बैठ के पीछे के बैकग्राउंड के साथ फोटो खिंचा सकते हैं। तो यहाँ आने वाले हर तरीके के टूरिस्ट के लिए देर इज समथिंग। और ये वाला कौन सा फूल है यहाँ पे? कुछ एक मैंने वाइल्ड रोजेस तो देखे थे, पर ये पूछेंगे अब्बास भाई से, पर बहुत खूबसूरत है। काफ़ी सारे हैं इस तरीके के लगे हुए, इधर भी लगे हुए हैं। ये अपना डाइनिंग हॉल, अब टाइम है नाश्ते का। डाइनिंग हॉल में आप चाहें सुहावना मौसम हो, बाहर का नज़ारा देखते हुए नाश्ता करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अंदर भी बैठ सकते हैं। वाह, बस भाई थोड़ा बिजी आदमी है तो एक वक्त में कई सारा काम धाम देखना पड़ता है इनको। चलो बैठो यार, आप बैठो ना, बहुत मुश्किल से मिले हो आप। बैठो बैठो। पूरी सब्जी, तरबूज, पोहा, चाय, ते अपना प्रा सफरां दा किंग कुदा सिंह। पैकिंग करके रूम पूरा एम्प्टी, बैग रेडी, मौसम भी रेडी, सूरज भाजी भी आ चुके बाहर, और हम करते हैं रवानगी यहाँ से अब कश्मीर की ओर। अब्बास भाई का जो रिजोर्ट है रंग्यूल रिजोर्ट, वो पड़ता है कारगिल से लेह रोड पे, कारगिल शहर से बाहर निकलते ही एयरपोर्ट के ठीक बगल में। तो अब यहाँ इस सुरु नदी के किनारे लद्दाख के खूबसूरत टाउन कारगिल को एक आखिरी नज़र देख के करते हैं अलविदा। वो अलग बात है, इस नदी के किनारे किनारे अभी थोड़ी दूर हमको चलना है, पर ये नज़ारा नीचे उतरने के बाद नहीं दिखेगा, तो जाने से पहले निहार लेते हैं।
कारगिल से 4 किलोमीटर बाहर आने के बाद ये एक पॉइंट आता है जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं। कारगिल तरफ से आती है सुरू नदी और इस तरफ द्रास साइड से आती है द्रास नदी। दोनों मिलके आगे जाके पाकिस्तान साइड में कहीं ना कहीं सिंधु नदी में मिल जाएंगी। और इस द्रास नदी के साथ साथ जाएगा ये नेशनल हाईवे 1 जो कि जाता है श्रीनगर को। यहाँ गांव आया है किसका नाम है खरबू। यहाँ पे भी खुमानी के पेड़ काफ़ी हैं। काफ़ी क्या, यहाँ खुमानी के दिख रहे हैं ज़्यादातर तो। और तो खेत है, खेतों में गेहूँ जो ये फसल कटाई करके घरों की तरफ ले जा रहे हैं। इस गांव का नाम है थसगम या थसगाम। और इस तरफ पिछले 2-3 गांवों से हम देख रहे हैं कि सब जगह खेतों में कटाई का काम चल रहा है। उस तरफ सामने गेहूं, जौ या जई, तीनों में से जो भी है, काट के इसको थोड़ा रखा हुआ था, अब थोड़ा सूख गया है तो इसकी ढेरी बना रहे हैं, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। वो ढेर लगा एक इस तरफ बना रहे हैं। एक जनाब उस तरफ भी बना रहे हैं अपने बेटे के साथ। तो अब इसको निकालोगे कब? बस जब थ्रेशर आ जाएगा। वो कब तक आएगा? 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। वो कार आएगा कहाँ से? वो द्रास में है ना। अच्छा, द्रास में है। हाँ। ओके, फिर वो पूरे गांव का निकाल के जाएगा यहाँ से? हाँ, पूरे गांव का निकालेगा। ठीक है, इसका मतलब इस तरफ थ्रेशर है पर वो द्रास में ही होता है। वहाँ से जब पूरे गांव की कटाई हो जाती है तब 1-2 दिन के लिए आता है, इनकी फसलें निकाल के फिर जाते हैं। क्या ज़्यादा जो ही है सब? और गेहूं वगैरह नहीं है? नहीं। बच्चा पार्टी सारी आ गई है और बच्चों के शौक दुकान तक ही होते हैं, कुछ छोटे मोटे टॉफी चॉकलेट खाने का। तो सब के सब, सबको खिलाओ भाई, लाओ टॉफियाँ, लाओ ये वाली क्या बोलते हैं इसको, ये निकाल दो आप। अरे जनाब अस्सलाम वालेकुम, गेम चल रहा। जैसे जैसे द्रास की तरफ बढ़ रहे हैं पहाड़ों पे, जो सूखापन लद्दाख के उस तरफ वाले इलाकों में दिखता है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। नदी के किनारे आसपास थोड़े ऊपर वाले पहाड़ों पे छोटी छोटी घास, छोटी छोटी बुशेस और कहीं कहीं झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आगे हम कश्मीर की तरफ बढ़ते जाएंगे जो हरियाली है वो और ज़्यादा दिखाई देने लगेगी। द्रास के 10-12 किलोमीटर पहले एक बड़ा गांव आया है और इस गांव में मेरे ख्याल में पूरे लद्दाख में सबसे ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिल रही है। पार वाली साइड वो द्रास दरिया, इसके इस तरफ ये
पेड़ों के झुंड, बीच में छोटे छोटे खेत, और ये वाले जो पेड़ हैं ये फ्रूट के पेड़ भी नहीं है, ये इसी तरफ होता है, हरा भरा रहता है, बढ़िया छाया देता है, ऑक्सीजन देता है। और ये मकान के आगे पार वाली साइड भी काफ़ी दूर तक ये गांव है। दरास कारगिल वॉर मेमोरियल हम रुके, पर वहाँ आर्मी का कोई फंक्शन चल रहा है, 1 अगस्त तक सारे टूरिस्ट की एंट्री बंद है, तो वहाँ से आगे हम दरास की तरफ निकल आए। दरास से थोड़ा पहले ये मंज़र सामने देखने को मिलता है, नदी के दोनों तरफ जो के थोड़े थोड़े चावल के भी खेत है बीच बीच में लग रहे हैं मुझे, खेत हरे भरे, बीच में बहता दरास दरिया, ऊपर जोजिला की तरफ छाए हुए काले घने बादल। ये है दरास का बाजार। अब मार्केट में आगे ना रोड की रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा बड़ा बाजार भी नहीं है, ये ठीक ठाक बाजार है। वेलकम्स यू टू दरास, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में दूसरा सबसे ठंडा इलाका है जहाँ पे इंसानी आबादी रहती है। कहते हैं कि सन 1995 में यहाँ -60 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था, तो इसलिए इसको इस ठंडे इलाके का दर्जा मिला हुआ है। दरास नदी के किनारे चलते चलते हम जोजिला से थोड़ा सा दूर रहे हैं जहाँ से ये नदी निकलती है। यहाँ एक गांव है आगे मटियान, तो जिससे पहले एक छोटा नहीं थोड़ा मीडियम साइज़ का ब्रिज कह सकते हैं। रिवर बेड काफ़ी चौड़ा है इस पूरे इलाके के अंदर। मटियान गांव पहुँच गए हैं, लाला वैष्णो पंजाबी ढाबा। यहाँ मैं पहले भी रुका हूँ, एक बार तो बीमार हो गया था, 2-3 दिन यहाँ पे रुका रहा, ठीक होने के बाद निकला। ये अंकल जी जम्मू से ये चलाते हैं ये ढाबा। जोजिला से तकरीबन 20 किलोमीटर दराज की तरफ आके एक गाँव है मटियान, वहाँ पे रोड के बिल्कुल ऊपर है। बड़ा ज़बरदस्त खाना बनता है यहाँ पे, तंदूरी रोटी मिलती है। ये अपना लाला जी लाले का ढाबा, तंदूरी रोटी, कड़ी, बड़ी, घ्यो, लस्सी, सारा कुछ मिल रहा है। वाह जी वाह। इसी खाने के लिए हमने करारी भूख लगाई थी, 2 बजे थे, रास्ते में कहीं नहीं रुके। ऊपर से बरसात का मौसम, गर्मा गर्म कड़ी घी डाल के पुदीने वाली लस्सी। खाना खाने बैठे थे, ऊपर जोजिला की तरफ मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रहा है, यहाँ भी हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई थी। अभी एक ट्रक वाले भाई साहब आए हैं, थोड़ा इनसे आइडिया लिया है आगे, बोले ज़्यादा बारिश वारिश वाला काम नहीं है, ऐसे अंधेरा सा दिख रहा है, निकल जाओगे। तो फिर खाना खा लिया, चाय पी ली, इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट ओके है। ये है मीना मार्ग, यहाँ पे कश्मीर साइड से लद्दाख की पहली चेक पोस्ट है और कारगिल साइड से आखिरी। यहाँ आने जाने वाले सारे व्हीकल्स की एंट्री होती है।
तो जोजिला पास से तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास लद्दाख वाली साइड में ये साइट जो देख रहे हैं, ये टनल बनाई जा रही है। सोनामर्ग से शुरू होती है और लद्दाख में निकलेगी। तो इस टनल को बनाने का पर्पस है कि विंटर के टाइम भी श्रीनगर से जो लेह वाला हाईवे है उसको ओपन रखा जाए। वहाँ से थोड़ा आगे आए तो दिखाई दिया कि यहाँ पे ये इंटरलॉक टाइप की ईंटें बिछाई जा रही है। यहाँ पे यही कामयाब है, सड़क यहाँ शायद उतनी कामयाब नहीं होगी क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ती है जोजिला पर, और जोजिला के दोनों तरफ रहती भी लंबे टाइम तक है, इसलिए शायद ये आइडिया कारगर साबित हो सकता है। दरियाओं का बहता हुआ साफ सुथरा पानी, खुले फैले हुए घास के मैदान, मैदानों में क्रिकेट खेलते बच्चे, लंबे फेरन पहने भेड़ बकरियां चराते हुए बकरवाल, ऊंचे घास से लदे हुए पहाड़, चोटियों पे छोटे बड़े ग्लेशियर। वेलकम टू कश्मीर। क्या है ये, कितना है ये, 649 का 50 कर देते चलो हम, ठीक है। तो सीन ये है, गाड़ियां पहुंच चुकी है जोजिला पास। जोजिला वैसे तो इंडिया के सबसे खतरनाक पासिस में से है, हाइट इसकी ज़्यादा नहीं है, 11,650 फीट है। एंड ये यूं तो लद्दाख और कश्मीर का कनेक्टिंग पॉइंट है, बट लद्दाख साइड से जब हम आते हैं तो जोजिला से थोड़ा पहले ही आपको लगने लगता है कि आप कश्मीर पहुँच गए हैं। उसकी वजह क्या, सूखे सूखे लद्दाख के पहाड़ों से आप निकल के ये पीछे जो हरियाली देख रहे हैं, इसका नज़ारा जहाँ शुरू होता है समझो वहीं कश्मीर शुरू है। ये है असल में जोजिला पास का ज़ीरो पॉइंट, और ये काफ़ी फेमस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है कश्मीर के अंदर। कश्मीर वैली में आने वाले सारे टूरिस्ट लोग ज़्यादातर यहाँ पर ज़रूर आते हैं। यहाँ पे ये चाय नाश्ते खाने के ढाबे बने हुए हैं, और जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि एक तो ये हाइट पे पड़ता है वैली से, मौसम बहुत ठंडा होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत मनोरंजन टाइप की एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे इस तरफ नीचे एक छोटा मजमा लगा हुआ है, कुछ तंबू टेंट लगे हुए हैं, तो उनमें क्या है, वो जो छोटा सा ग्लेशियर का टुकड़ा है वो बर्फ बची हुई है उस पे लोग स्लाइडिंग कर रहे हैं, कोई ये इस तरीके की, यहाँ पे नीचे वो एक 3-4 पहियों की गाड़ी जैसी होती है वो उस पे घुमा रहे हैं। जून के महीने में मेरे ख्याल में यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है, नीचे पूरा एरिया जो है बर्फ़ से ढका होता है, तो इस पे और ज़्यादा फन मस्ती करते हैं सैलानी जो आने वाले लोग हैं। पूरा नीचे वाला एरिया भी यहाँ, अभी तो कुछ कुछ छोटे मोटे पैचेस दिख रहे हैं जुलाई एंड का टाइम है, अदरवाइज़ अप्रैल मई जून में बहुत सारी बर्फ़ होती है, और बर्फ़ देखने के लिए ही तो लोग पहाड़ों में आते हैं। इस तरफ से जब जोजिला से नीचे उतरते हैं सोनमर्ग की साइड, तो थोड़ा आगे आके ना एक डाइवर्जन पॉइंट है ये इस चट्टान के पास, तो यहाँ वन वे हो जाता है क्योंकि मार्ग बहुत तंग है, नीचे खाई बहुत गहरी है। नीचे वाला असल में पुराना रास्ता है, तो ये नीचे उतरते टाइम यूज़ किया जाता है अभी, और ऊपर वाला रास्ता वैसे ये गाड़ियाँ धक्के से जा रही है, बट वहाँ लिखा हुआ है नो एंट्री। ऊपर वाला रास्ता है जो सोनमर्ग साइड से गाड़ियाँ आती है सिर्फ उनके लिए, और जब आपको जोजिला से सोनमर्ग जाना हो तो नीचे वाला रास्ता। रास्ते में वैसे तो नीचे इंटरलॉक ईंटें बिछा रखी है,
पर स्पेस बहुत कम है, इतना तंग है कि एक ही गाड़ी गुजर सकती है। और नीचे की तरफ काफ़ी गहरी खाई है, तो केयरफुली चलना पड़ता है काफ़ी। यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आप केयरलेसली चलोगे तो छोटी सी गलती और सब कुछ ख़त्म हो सकता है। अब यहाँ से देखो जो ऊपर वाला रास्ता है वो गाड़ियों के आने के लिए है, और यहाँ से नीचे दोनों आगे जाके मिल जाते हैं कहीं ना कहीं सोनमर्ग से थोड़ा पहले। वहाँ से नीचे उतरते उतरते बालतल का एरिया दिखाई देने लगता है। यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं छोटे छोटे रंग बिरंगे डिब्बे जैसे जो दिखाई दे रहे हैं दूर तक फैले हुए, वो सारे के सारे टेंट लगे हुए हैं। अमरनाथ यात्रा जो चल रही है उसमें जो यात्री हैं वो यहाँ पे विश्राम करते हैं, रुकते हैं, उसके बाद यहाँ से अंदर ही अंदर वैली में इस तरफ से अमरनाथ गुफा की तरफ जाते हैं। बालतल से थोड़ा नीचे आते ही शुरू होता है असली कश्मीर, जिसको कहते हैं वादी कश्मीर, जन्नत कश्मीर, कश्मीर ही कश्मीर, द वैली ऑफ सोनमर्ग। जो ज़िला क्रॉस करके नीचे आए, बालटल से आगे सोनमर्ग एंटर होने वाले थे, वहाँ पे क्या है चेक पोस्ट थी जहाँ हमको रोक लिया, और वजह ये थी कि अमरनाथ यात्रा चल रही है पूरे अपने ज़ोर शोर से इस टाइम पे, उसकी वजह से क्या स्ट्रिक्टनेस काफ़ी है। तो अभी कोई है सीन ऐसा होता है कि शाम के 4 बजे के बाद अगर लद्दाख साइड से कोई लोग आते हैं तो उनको इस तरफ सोनमर्ग साइड नहीं आने दिया जाता, उनको वहीं पे रोक लिया जाता है, वो यात्रियों के जो टेंट हैं उन्हीं पे। सिर्फ वही लोग जिनकी बुकिंग है, मतलब कंफर्म बुकिंग, जिनके पास फ़ोन के अंदर ईमेल वीमेल या कुछ ना कुछ प्रूफ है, उन्हीं लोगों को वो छोड़ते हैं, अदरवाइज़ बोलते हैं कि वहीं सो जाओ। तो हमारा क्या था कि अपना अमृतपाल भाई के थे कोई नॉन बंदे, और उनकी यहाँ पे एक कैंप साइट है सोनमर्ग से थोड़ा सा आगे निकलते ही, तो बड़ी देर मत्था मारा, फ़ोन वोन करवाए, बात उनको समझाई कि ये सीन है हमारा सोनमर्ग के अंदर ही है आज का रिहाइश, पर फिर जाके उन्होंने आधा घंटा कम से कम हमको आराम से वहाँ रखा, उसके बाद उन्होंने हमको आने दिया। आगे एक जगह और एक्सप्लेन करना पड़ा, एंड उसके बाद फिर अगेन कई देर, ये रास्ता भी थोड़ा ऐसा है ना ऑफ बीट, अंदर वाली साइड आके है KGL का जो ट्रैक शुरू होता है उस तरफ, तो बिल्कुल ही टूटा फूटा कच्चा रास्ता है, उससे होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं अभी, बट व्यू बहुत शानदार है, तो अभी वो दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ से ये सामने का नज़ारा है, ऊपर वाले पहाड़, वो ग्लेशियर सब दिखता है, बस एक ही दिक्कत है कि इस तरफ आने का जो रास्ता है वो बहुत ख़राब है, ये उस तरफ दरिया के किनारे किनारे ना एक बिल्कुल ही कच्चा पथरीला रास्ता क्रॉस करके फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ आसपास 2-3 कैंप साइट है, और इस तरफ ये भाईजान हमको वहाँ से गाइड करते हुए लाए हैं, एंड ऊपर अंदर जाके वो ठिकाना है जहाँ आज हम रहेंगे। आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ही कमाल का है, यहाँ ये भाई हट वगैरह बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, फिलहाल तो यहाँ दो एक टेंट ही है, तो
तो जगह पीसफुल है काफ़ी और आराम से आज का ठिकाना यही है। इस तरफ ये किचन है इनका, अभी ताज़ा ही सेटअप किया लगता है।